हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। मिमी, कल रात को ऑब्वियसली सब लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को चेक कर लिया होगा, क्योंकि यूट्यूब पे रिव्यूज की बाढ़ आ गई थी। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली न्यूज आई थी कि मिमी इस पर्टिकुलर मूवी को लीक कर दिया। मतलब ये कुछ ऐसे नीच लोग हैं जो लोगों की मेहनत या करोड़ों रुपए को देखते भी नहीं, बस अपने मजे के लिए मूवी को लीक कर देते हैं। और उनसे भी बड़े नीच रिव्यूअर्स वो है जिन लोगों ने उस लीक कॉपी को देखा और उस पर रिव्यू डाल दिया। अब वो मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही नेटफ्लिक्स ने उस पर्टिकुलर मूवी को रिलीज किया, 1 घंटे बाद धड़ाधड़ रिव्यूज आने लगे। और वो सारे लोगों ने लीक कॉपी से देखी, और उन सारे लोगों को आप लोग देखते हो, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है वो जितने भी नए यूट्यूबर्स या जो भी यूट्यूबर्स है उन लोगों को 5,000 व्यूज पे $1 मिलता है। अगर इंडियन रुपीज के हिसाब से बताओ तो 74 रुपीज मिलता है। तो आप उन लोगों की औकात का अंदाजा लगा लो, अगर उनको 10,000 या 15,000 भी मिले होंगे तो ज्यादा से ज्यादा साल में 200 या 250 रुपए कमाएंगे। तो इनकी औकात इतनी ही है। खैर, हम लोग यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन करते हैं अपना, और हमेशा करते रहेंगे। खैर, मूवी के अगर प्लॉट की बात करूँ तो देखो यार, 90% मूवी उन लोगों ने पूरी ट्रेलर में दिखा दी थी। मतलब जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो भी कहानी, सब के सब ट्रेलर में थी। बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है मूवी को देखकर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कहानी ये है कि भाई, दो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, उनको सरोगेसी के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन वो लड़की एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए। इसलिए पंकज त्रिपाठी, जो कि यहाँ पे ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनको कृति सेनन यानी कि मिमी से मिलाते हैं। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। क्योंकि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक गजब का एंटरटेन करेगी। कॉमेडी, इमोशंस और मैसेज, ये सारी चीजों का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा। और अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करो तो जिस तरह से मिमी के कैरेक्टर को यहाँ पे डेवलप किया, जो जो चीजें उसके अंदर डाली है ना भाई, हर लड़की, हिंदुस्तानी लड़की उस पर्टिकुलर कैरेक्टर सीखेगी कि जब लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो जाए, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, आपके पास कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसके लिए आपको अपने सपनों को भी साइड में रखना पड़े, तो वो चीज आप लोग को मिमी से सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा पंकज त्रिपाठी या जितने दूसरे कैरेक्टर है, सबको बहुत अच्छी तरह से लिखा, काफी रियलिस्टिक वे में लिखा है। इस कौन है इसका बाप? पंकज त्रिपाठी होते तो मैं उनके अलावा कम ही लोगों की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कृति सेनन ने बता दिया कि क्या लेवल की परफॉर्मेंस है यार। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे लगा था सिर्फ उसको ग्लैमर के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने प्रूव कर दिया कि जब उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे कि आदि पुरुष है, तो उसमें वो क्या बवाल मचा सकती है। सोचो, इस मूवी में उसने इस तरह का क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका। टाइमिंग है उनकी, और जिस तरह से वो इमोशनल सीन्स को भी इतनी इजीली प्ले कर देते हैं, मजा आ गया। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स है, सब लोग ने अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। डायरेक्शन इस मूवी का बहुत अच्छा है, लक्ष्मण नाम है उनका, क्या डायरेक्ट किया है। मतलब एक सेकंड के लिए भी वो आपको फील नहीं आता कि आप मूवी देख रहे हो, आप रियल किसी लड़की को देख रहे हो जिसके ये सारी चीजें हो रही है। और आपको टाइम टू टाइम वो हंसा रहे भी, टाइम टू टाइम आपको इमोशनल भी फील करा रहा है, एंड में आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। मतलब वो मोमेंट भी आपको वो डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। तो यार, इट्स अ वॉचेबल मूवी, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। मूवी में से कुछ भी अश्लील सीन्स नहीं है, बस हाँ, एक दो जगह पे वो तो इतना तो आज की तारीख में चलता है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। एक ऐसी स्मॉल बजट की मूवी है ये, जो बड़े बड़े बॉलीवुड की जो बिग बजट की मूवीज होती है उसको भी अपनी नानी याद दिला दे। तो यार, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो तुम लोग की मर्जी है।